वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे लाइन नंबर 61 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो इससे पहले लाइन में हमने हेल की डिस्क्रिप्शन स्टार्ट की थी और वो इन लाइंस में कंटिन्यू है। अ डंजन हॉरेबल ऑन ऑल साइड्स अराउंड। डंजन बेसिकली कहते हैं एक अंडरग्राउंड प्रिजन को। तो जॉन मिल्टन कहते हैं कि ये जो हेल था तो ये एक डंजन की तरह था और बहुत ज़्यादा हॉरेबल यानी कि खौफनाक था। ऑन ऑल साइड्स अराउंड और ये राउंड था। एज वन ग्रेट फर्नेस फ्लेम्ड। तो फर्नेस बेसिकली कहते हैं आग की भट्टी को, या आप आग भी कह सकते हैं इसको। तो उसमें जो था हेल में एक बहुत बड़ी आग की भट्टी थी। येट फ्रॉम दोज फ्लेम्स नो लाइट बट रादर डार्कनेस विजिबल सर्व ओनली टू डिस्कवर द साइट्स ऑफ वो। यानी कि वो जो उस भट्टी जो थी उससे जो फ्लेम्स आ रहे थे, उससे जो आग की शुआएं आ रही थी, तो वो उसमें लाइट नहीं थी बट रादर डार्कनेस विजिबल। यानी कि वो जो फ्लेम्स आ रहे थे तो वो लाइट का काम नहीं कर रहे थे बल्कि उससे और भी वहाँ पर जो था तो डार्कनेस जो थी वो हमें नज़र आ रही थी। सर्व्ड ओनली टू डिस्कवर द साइट्स ऑफ वो। यानी कि जो लाइट जो वहाँ पर थी वो हमें हमारी डिस्ट्रक्शन दिखा रही थी। सर्व ओनली टू डिस्कवर द साइट्स ऑफ वो का मतलब ये है। रीजन्स ऑफ सोरो, रीजन्स ऑफ पेन, डोलफुल शेड्स, डोलफुल यानी कि पेनफुल शेड्स, वेयर पीस एंड रेस्ट कैन नेवर ड्वेल। यानी कि ये वो जगह थी जहाँ पर पीस एंड रेस्ट कैन नेवर ड्वेल। ड्वेल का मतलब है रहना, कि ये वो जगह थी जहाँ पर अमन और आराम नहीं था। होप नेवर कम्स दैट कम्स टू ऑल, और उम्मीद जो कि हर किसी को आती है, लेकिन ये वो जगह थी जहाँ पर उम्मीद किसी को भी नहीं आ रही थी। बट टॉर्चर विदाउट एंड स्टिल अर्जिस, लेकिन वहाँ पर जो था टॉर्चर जो था तो वो विदाउट एंड स्टिल अर्जेस, यानी कि वहाँ पर जो टॉर्चर था वो एवर लास्टिंग था, वो कंटिन्यू था। एंड अ फायरी डल्ज, डल्ज बेसिकली कहते हैं फ्लड को यानी आग का सैलाब। फेड विद अवर बर्निंग सल्फर अनकंज्यूम्ड, तो जो आग थी वो सल्फर में जल रही थी और वहाँ पर वो सल्फर इतना ज़्यादा था कि वो अनकंज्यूम यानी कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सच प्लेस इटर्नल जस्टिस हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर दोस रिबिलियस, और ये वो जगह थी जहाँ पर खुदा का अजाब इटर्नल जस्टिस तैयार किया हुआ था। किसके लिए? यानी कि वो जो रिबिलियस थी यानी जिन्हें जिन्होंने खुदा की बहावत की थी, जिन्होंने डिसोबीडियंस की थी। हेयर देयर प्रिजन ऑर्डेंड इन अटर डार्कनेस, और यहाँ पर जो थी उनका प्रिजन जो था तो यहाँ पर मौजूद था। एंड देयर पोर्शन सेट, और उनका हिस्सा यहाँ पर था। एज़ फार रिमूव फ्राम गॉड एंड लाइट ऑफ हेवन एज फ्राम द सेंटर थ्राइस टू द एटमॉस्फेयर, और ये इतना दूर था खुदा से और हेवन से। As from the center to the utmost pole, यानी कि आप ये consider कर ले कि ये एक globe है और ये उसका center है, तो ये इस point को basically ये pole है। तो John Milton कहते हैं कि ये इतना दूर था कि अगर हम center से ले लें और pole तक जाएँ और इसको फिर 3 times कर लें, यानी कि हम इसको 3 times multiply कर लें, तो ये इतना दूर था खुदा और heaven से। Oh how unlike the place from whence they fell, और ये उस जगह से कितना मुख्तलिफ था जिस जगह से ये लोग आए थे, यानी ये लोग तो हेवन से आए थे ना। देयर द कंपेनियन ऑफ हिज फॉल ओवरवेलम्ड विद फ्लड्स एंड वर्ल्डलैंड्स बाई टेम्पेस्टस फायर, और यहाँ पर जो उनके कंपेनियंस थे तो वो भी बिल्कुल इसी कंडीशन में थे। वो वर्ल्डलैंड्स यानी कि एंड टेम्पेस्ट फायर, जो तूफ़ानी आग थी वो भी बिल्कुल उसमें जो थे वो परेशान थे। ही सून डिसंस, और फिर वो डिसंस यानी कि डिस्टिंग्विश करता है, पहचानता है। एंड वेल्टरिंग बाय हिज साइड, वेल्टरिंग यानी कि वो लथपथ उसके साथ पड़ा था। वन नेक्स्ट हिमसेल्फ इन पावर एंड नेक्स्ट इन क्राइम, और उसके बाद जो पावर में था, एंड नेक्स्ट इन क्राइम, और उसके बाद जो क्राइम में था। लॉन्ग आफ्टर नोन एंड पैलेस्टाइन, और वो पैलेस्टाइन में काफ़ी पहले जाना जाता था। एंड नेम बेल्जिबब, तो यहाँ पर बेल्जिबब की बात हो रही है। टू हुम द आर्क अल्केमी, तो आर्क अल्केमी बेसिकली इसका मतलब है डेवल, तो ये सेटन के लिए यूज़ हुआ है। टू हुम द आर्क अल्केमी एंड देंस इन हेवन कॉल्ड सेटन विद बोल्ड वर्ड्स, यानी कि उसने तेज़ आवाज़ से कहा। ब्रेकिंग द हॉरिड साइलेंस, और जो अपनी साइलेंस जो थी तो वो उसने खामोशी उसने तोड़ दी। दिस बिगेन, और कहने लगे। तो इसके बाद जो है तो हम सेटन की जो फर्स्ट स्पीच है उसको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।